गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो वी गोना कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस क्वेश्चन केम इन जून 2017 बीपीसी दैट इज योर बैचलर इन साइकोलॉजी 004 इन 6 मार्क्स। सो इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल एंड हैवन सब्सक्राइब माय चैनल टिल येट प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकालते हैं और ये क्वेश्चन आपका जून 2017 में बैचलर इन साइकोलॉजी 004 में आपका पूछा जा चुका है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना नहीं आता है या फिर आपको उसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखिए। दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज आपको पता ही है ये आपका डाटा दे रखा होता है राइट। इस डाटा को मैं मान लेता हूँ, सपोज करिए इस डाटा को हमने अज्यूम कर लिया है, नेमिंग कर दी है कि ये जो डाटा गिवन है ये हमें एक्स गिवन है राइट। हमने अज्यूम कर लिया राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डाटा आपको गिवन है इसको मैं एज ए टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ राइट। सो गाइज ये जो आपको ऊपर गिवन डाटा था उसको हमने एज ए टेबुलेशन फॉर्म में उतार लिया है। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस डाटा, दैट इज मैं एन से डिनोट करता हूँ नंबर ऑफ टर्म इन योर डाटा। डाटा क्या है आपका एक्स में, तो अगर आप काउंट करेंगे देयर आर 10 टर्म्स राइट। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है यहाँ पर 10, दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन योर डाटा एक्स। एक्स डाटा में आपकी कितनी वैल्यू है। नाउ दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, ये जो डाटा गिवन है हमें एक्स का राइट, इसको हमें क्या कर लेना है, इसका समेशन कर लेना है, समेशन ऑफ एक्स डेट इज इन सब का ऐड कर लेना है 35 + 30 + 38। और जब आप इनका समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 379, डेट इज 379। नाउ हमें क्या निकालना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन राइट। मीन डेट इज एक्स मीन, आप इसे डिनोट कर सकते हैं एक्स बार लिख सकते हैं या फिर आप एक्स एम भी लिख सकते हैं राइट। इन सब ये सारी रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी मीन की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से राइट। सो मीन क्या होता है आपका, मीन हमारा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने पहले भी कर रखा है, या फिर आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बात दोनों क्या है सेम ही है राइट। नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास सम कितना आ रहा है 379। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं 379। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाउ मेनी टर्म्स इन दिस डाटा, अभी हमने काउंट करी थी नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास 10 है राइट। तो डिवाइडेड बाय 10, तो 379 डिवाइडेड बाय 10 डेट इज 37.9। तो हमारे पास x बार या फिर आप लिख सकते हैं x मीन की वैल्यू कितनी आ रही है 37.9। ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारी ये आ गई है आपके पास मीन इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास मीन आ गई है 37.9। मैं मीन को क्या कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमें बार बार नीचे स्क्रॉल ना पढ़ना पड़े राइट। 37.9। नाउ हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में, डेट इज एक्स माइनस एक्स बार राइट। नाउ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 35 और एक्स बार की वैल्यू कितनी है 37.9। तो 35 माइनस 37.9 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2.9 राइट। कैसे करा है दोबारा देख लेते बार, x माइनस x बार यानी कि 30 माइनस 37.9 दैट इज माइनस ऑफ 7.9। इसी तरीके से मैं इन सबका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग क्या कर लीजिएगा क्रॉस चेक एक बार कर लीजिएगा राइट। सो ये हमने लिख लिया है x माइनस x बार का डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट कॉलम हमें क्या करना है, x माइनस x बार का होल स्क्वायर दैट इज जो हमारे पास यहाँ टर्म आई है उसका स्क्वायर हमें करना है। तो माइनस ऑफ 2.9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 8.41, माइनस ऑफ 7.9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 62.41। इसी तरीके से इन सब का आपको स्क्वायर करके लिख लेना है। सो हमने क्या करा है, जो हमने x माइनस x बार की वैल्यू निकाली थी उसका हमने स्क्वायर करके यहाँ लिख लिया है। लास्ट में हमें क्या करना होता है, हमें समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन कर लेना होता है, डेट इज 8.41 प्लस 6.41 62.41 एंड सो ऑन। जब आप इन सब का समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 218.9 राइट। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन राइट एस डी।
स्टैंडर्ड डेविएशन का आपके पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, राइट। नाउ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 218.9 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू आपके पास है 10, 10 माइनस वन 9। सो गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.93, डेट इज जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.93 फॉर दिस क्वेश्चन। और हमसे पूछा क्या गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा गया था, राइट, फॉर द फॉलोइंग डाटा। उससे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है एक्सप्लेन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका उन्होंने पूछ रखा है 3 मार्क्स में, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आइए एक बार वो भी हम देख लेते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है गाइस, कि अगर मैं इसको कोरिलेट करूँ, ये सपोज करिए मैं पहले ही बता चुका हूँ ये आपका एनपीसी कर्व है, राइट, डेट इज ये आपका एनपीसी कर्व है, राइट। ये हमारा है मीन, मीन क्या होता है, मीन आपका होता है एक तरीके से आप लगाइए जो आपका राइट आंसर है, राइट, ये है आपका मीन, मीन या फिर आप कह सकते हैं आप मीन को एज्यूम कर सकते हैं एक तरीके से राइट आंसर, राइट। नाउ सपोज करिए ये इसकी वैल्यू है आपके पास 50, आपने एक सैंपल लिया, राइट, एक पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट लिया, सैंपल लिया, उस पर आपने एक्सपेरिमेंट करा या फिर कोई मेथड यूज़ करे कि भाई हमें ये मेथड लगाया है इसके ऊपर, पियर्सन लगाया है या फिर अनोवा लगाया है या फिर टी टेस्ट, कोई भी आपने मेथड लगाया हुआ, और आपके पास जो वैल्यू आ रही है सपोज करिए वो आपके पास वैल्यू आ रही है 48, राइट, ये आपका आंसर आया और उस आंसर की वैल्यू आपके पास आ रही है 48। नाउ 48 और 50 में, 48 और 50 में जो आपका डिफरेंस है दैट इज ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज जो आपका पार्ट मीन से या फिर आप कह सकते हैं कि डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीन से कितना पार्ट आपका डेविएट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सपोज करिए आपके 48 की जगह 52 आ रहा है या फिर 54 आ रहा है, राइट, ये आपका आंसर आ रहा है सपोज करिए 55, राइट। तो ये जो पार्ट डेविएट हो रहा है मीन से, राइट, ये भी आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, कि जो पार्ट आपका मीन से कितना डेविएट हो रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आंसर एंड द आंसर यू गॉट, राइट। तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी आपकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, बहुत जगह मिल जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, तो वो आपके थ्योरी के हिसाब से इसमें 3 मार्क्स में पूछा वो काफ़ी सफिशियंट है, राइट। मेन क्या होता है, मेन आपको समझ में आना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कि जो आपका एक्चुअल आंसर है और जो आंसर आपका आ रहा है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपका आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, कि आप कितना डेविएट कर रहे हैं अपने नॉर्मल बिहेवियर से, राइट, या फिर आप कितना डेविएट कर रहे हैं अपने राइट आंसर से, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।